ओजस्विनी पालीवाल, राजस्थान उदयपुर। पहली बात तो मैं फर्स्ट टाइम इस कोर्स को कर रही हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड, कभी मैंने ट्राई नहीं किया है और बस बहुत बढ़िया चल रहा है जो भी है। अभी हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, इंट्रोडक्शन और इनॉग्यूरेशन होने वाला है। आज ही सुबह यहाँ पर हम आए हैं होटल मैनेजमेंट वाले इंस्टीट्यूट में। कैसा फील कर रहे हो आज यहाँ पे? काफी नर्वस पहली बात, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं, और बस नर्वस एंड एक्साइटेड ऑल्सो। बहुत ज्यादा प्लेजेंट, स्पेशली यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा हम्बल और बहुत ज्यादा नाइस हैं, फ्रेंडली हैं। और वेदर तो पूछो ही, मतलब बहुत एज कम्पेयर टू ऑल दी अर्बन सिटीज, मुंबई, बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ का बहुत ज्यादा अच्छा एटमोसफियर है। उनके लिए बस ये इतना सा मैसेज है, देखिए कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होता है, देर आर गून्स, देर आर एलिमेंट्स विच आर बैड, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हियर आर वेरी गुड। लाइक अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस पर्सनली बताऊँ तो वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैव मेट इज हियर। मतलब मैं 50 बार आई ऑल्सो लाइक मेक वीडियोज एंड एवरीथिंग, मैंने आपके एक्सपीरियंसिस के बारे में बताया है, द नाइसेस्ट पीपल आई हैव एवर मेट इज हियर। लाइक श्रीनगर के पीपल, जम्मू कश्मीर आर वेरी गुड, लाइक वेरी हॉस्पिटेबल। मानसबल लेक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के द्वारा यहां पर 30 लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया गया है, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 दिन का रहेगा। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आईएसएन के अंदर जुड़े हुए जो बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, उनको यहां पर स्कीइंग की और ट्रेनिंग दी जाएगी, वाटर स्कीइंग की। और इसके अलावा हमारे यहां पर एक अच्छी बात यह है कि मानसबल के भी एक व्यक्ति ने यहां पर किया है, और मैं मानसबल के आसपास रहने वाले सभी गांवों के लोगों से भी बात करना चाहूंगा कि वो भी अगर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो सीओ मानसबल के संपर्क में आए और उसके बाद वो चीज़ उसके साथ जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, मानसबल एक हमारी बहुत ही अच्छी धरोहर है जिसके लिए हम लोग आगे भी ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे, और आने वाले समय के अंदर यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स इवेंट्स, और नॉर्मली भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स चालू हो जाए, जिससे कि ये मानसबल की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाए। इसके लिए हम लोगों ने जैसे क्योंकि आईएसएम भी एक सरकारी संस्था ही है, उनकी अपनी एक फीस की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रेनर्स की भी सैलरी जाती है सभी लोगों की। तो जैसा ही हमारे सिस्टम है, अगर हम फीस नहीं लेंगे, आईएसएम फीस नहीं लेगा, तो वो लोगों की सैलरी नहीं दे पाएगा, फिर सैलरी वाला शिकायत करेगा साहब हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। तो इसलिए फीस लिया जाना एक अनिवार्य है। इसमें मैं यहाँ के लोगों से, जैसे यहाँ पर हमारे रेस्टोरेंट ओनर हैं, यहाँ पर हमारे होटल वाले हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा, अगर वो लोग भी एक एक दो दो बच्चों को अगर स्पॉन्सर करते हैं, और सिविल सोसाइटी की तरफ से हमारे लोग अगर स्पॉन्सर करते हैं, मीडिया कर्मी अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है, तो ये आगे आके स्पॉन्सर करा जाए, और इसमें हम सभी लोगों के सहयोग से उन बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी।